वेलकम बैक स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू रीड पोएम ट्रीज. बिफोर रीडिंग दिस पोएम वी डू सम वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम. द पोएम नेम इज ट्रीज. वर्ड मीनिंग ट्री हाउसेस पेड़ घर टू स्विंग झूलना हाइड छिपना चोप काटना टिम्बर लकड़ी टू रैक इकट्ठी करना फॉल पतझड़ शेड छाया पियर्स नाशपाती. राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक. लेट्स स्टार्ट टू रिसाइट दिस पोएम. ट्रीज पेड़. टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज. कुछ समय लें टू टेल वन अनदर एक दूसरे को बताने के लिए द नेम्स ऑफ ट्रीज पेड़ों के नाम. दैट यू नो जो आप जानते हो एंड हैव हियर्ड ऑफ या फिर जिनके बारे में आपने सुना है. मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस और उन चीज़ों को मेंशन करो लिखो जो हमें ट्रीज देते हैं पेड़ देते हैं. देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज और तब इस पोएम को पेड़ों के बारे में पढ़ो. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स पेड़ हैं पक्षियों के लिए. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रंस पेड़ हैं बच्चों के लिए. ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन और पेड़ों का यूज़ हम किस लिए करते हैं पेड़ घर बनाने के लिए. ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन और पेड़ हैं इन पर झूला डालकर झूला झूलने के लिए. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू और पेड़ किस लिए हैं हवा को बहाने के लिए. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक और पेड़ हैं लुक्का छिप्पी खेलते समय छिपने के लिए. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर और पेड़ किस लिए हैं उनके नीचे चाय पीने के लिए या फिर पार्टी करने के लिए. सॉरी चाय पार्टी करने के लिए. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन और पेड़ किस लिए हैं जो काइट्स हैं उनको पकड़ने के लिए. ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर और पेड़ हैं गर्मी में हमें ठंडी छाया देने के लिए. ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर और पेड़ हैं सर्दी के दिनों में छाया न देने के लिए. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स और पेड़ हैं हमें एप्पल्स देने के लिए या फिर नाशपाती देने के लिए. ट्रीज आर टू चॉप डाउन और पेड़ किस लिए हैं काटने के लिए. एंड कोल टिम्बर और कटी हुई उन कटे हुए पेड़ को टिम्बर यानी कि लकड़ी कहने के लिए. ट्रीज मेक मदर से और ट्रीज को देखकर मदर कहती हैं व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट कि पेंटिंग करने के लिए क्या सुंदर दृश्य है या पिक्चर है. ट्रीज मेक फादर से और पेड़ हैं पापा को यह कहने के लिए व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल कि इस पतझड़ में कितनी पत्तियां इकट्ठी करनी होंगी. आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. इट इज बेस्ड ऑन ट्रीज एंड इट्स यूज. दिस पोएम इज रिटन बाय शर्ले बोर. लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज. वो कौन से गेम हैं या फिर मानवीय कार्य हैं जिनमें हम पेड़ का यूज करते हैं प्रयोग करते हैं और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट या फिर जिनमें पेड़ भी भाग लेते हैं पार्टिसिपेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. पेड़ सर्दी में छाया नहीं देते. व्हाट डज दिस मीन इसका अर्थ क्या है. पार्ट टू
ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, पेड़ हैं सेब या नाशपाती उगाने के लिए. डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट, क्या आप इससे सहमत हैं कि पेड़ हमें फ्रूट प्रदान करते हैं या फिर उसका एक ही उद्देश्य है. और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, और क्या यह लाइन मजाकिया है. विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर, अब क्वेश्चन नंबर 3, अपने पार्टनर की मदद से ट्राई टू री राइट सम लाइन्स इन द पोएम, इस पोएम में कुछ लाइन रीराइट करें. और एड न्यू वंस ऑफ योर ओन, या फिर अपने आप बनाकर कुछ लाइन्स इसके अंदर ऐड करें. एज इन द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स, जैसा कि नीचे एग्जाम्पल में दिया गया, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट, पेड़ हैं पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए. ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, ट्रीज हैं लोगों के नीचे बैठने के लिए. वेल स्टूडेंट्स, टूडेज वर्क इज टू फाइंड आउट द क्वेश्चन, द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम. थैंक यू.